4 से 5 घंटे तकरीबन लगातार चले, सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई थी, सिर्फ चढ़ाई, थके लेकिन वी आर हियर बेबी। वो जो ऊपर दिख रहा है वो है पास, वहां से आगे बगरोर शुरू होगा। हम लोग आगे एक वाटरफॉल है, ये मेरे पीछे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रही है उसके पास एक वाटरफॉल है, उसके पास हम लोग 3-4 लड़के जा रहे हैं और हमारा हाइक उसके बाद मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ये मेरे ऊपर जो जगह है ये वाली जगह, तो यहाँ से हमारा हाइक शुरू है। काफ़ी चले हम लोग, तो यहाँ से हमें वाटरफॉल दिख रही है। मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ इस जगह से, चेक करें ये। अभी हम लोग इसके करीब जाने वाले हैं, इसके पास जाने वाले हैं। तो मैं समझ रहा था कि 10 मिनट रहूँगे, 10 मिनट होंगे, लेकिन वो 10 मिनट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल के पास आए हुए, मैं वाटरफॉल के नज़ारे आपको दिखाता चलूँ। ये देखें वाटरफॉल, इतना बड़ा वाटरफॉल मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही खूबसूरत। तो अभी हम खलतोरो जो वैली है उसके तकरीबन एंड पे हैं, नाले के एंड पे। यहाँ से आगे सिर्फ पहाड़ है बस, और ऊपर ग्लेशियर्स हैं काफ़ी। तो ये जो पहाड़ है आपको दिख रहा है, इसके पीछे नगर वैली है, और इसके साइड पे, लेफ्ट साइड पे बगरोट वैली है जहाँ पे हम जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम अभी उठे हैं, यह हमारा तीसरा दिन है। अभी इसके बाद हमारा असली हाइक स्टार्ट होता है, ऊपर हमने पास पे चढ़ना है। अभी देखते हैं क्या होता है, टाइम बहुत सिर्फ टाइम गया। बस नाश्ता हो गया, सारी तैयारी में अभी निकलना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो इस पार्ट पे चढ़ना है। बस अभी सामान पैक करके आधे घंटे में निकलेंगे ऊपर। थैंक यू। Thank you.
तो डे थ्री का पहला हाइक था ये, तो अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। कल जहाँ पे कैंप लगाया था वहाँ से काफ़ी स्टीप रास्ता था, ये पहाड़ पे चढ़ना है, इसके बिल्कुल टॉप पे जाना है और वहाँ से फिर डिसेंड होना है तो हम बदरोड पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, पानी है यहाँ पे साफ तो पानी पी रहे हैं बस। ओके नीचे साइड पे थोड़ा मुश्किल था रास्ता, अब यहाँ पे आसान है, काफ़ी आसान है, इजीली चढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है आगे से मुश्किल होगा। फिर भी मैं अभी जिस जगह पे हूँ यहाँ से नगर वैली के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मेयर इसको मेयर चीफ कहते हैं, मेरे बैक साइड पे जो है उसकी बैक साइड है, सो वो वाले पहाड़ उस साइड पर मुझे लग रहा हरामुश के पहाड़ है। आधे से ज़्यादा चढ़ाई हमने चढ़ी है, चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नीचे से जितना डिस्टेंस दिख रहा था ऊपर टॉप तक पास तक, अभी वही डिस्टेंस है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन खैर दो ढाई घंटे अभी चले, अभी रास्ता है ऊपर काफ़ी, तो मज़ा आ रहा है, बस खूबसूरती है। चार से पाँच घंटे तकरीबन लगातार चले, सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई थी, सिर्फ चढ़ाई, थके लेकिन वी आर हियर बेबी। वो जो ऊपर दिख रहा है वो है पास, वहाँ से आगे बगरोड़ शुरू होगा। तो वी हैर एट हरामुश पास, हरामुश पास, बगरोड पास कोई नाम है वैसे, एक वो उससे याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना खैर है, इतना हाइक कितना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा था। नीचे से इतना लोगों ने हमें बताया था इतना मुश्किल नहीं था, बगरोड से आते शायद और भी आसान होता इससे ऐसा अगर आते तो। खैर सीन्स अराउंड हियर बगरोट हरामुश नगर अब देर बगरोट हरामुश बगरोट हरामुश एंड माय टीम रेस्टिंग। वो पहुंच गए, आठ घंटे से लगातार एक दफ़ चढ़ाई ऊपर एक दफ़ा नीचे,
सही, ये हालत टाइट है। सारे आगे चले गए, मैं और हरार पीछे रह गए, तो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। बस तकरीबन पहुँच गए नीचे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कोई खाना शाना बनाने तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे व्लॉग का पार्ट टू ख़त्म होता है, यहाँ से आगे फिर पार्ट थ्री में गार्गो के साथ मिलते हैं। पीस आउट।